आई एम किशन बराई फ्रॉम बराई ओवरसीज और यहाँ पर मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि एक्सपोर्ट का बिजनेस सेफ वैसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बिजनेस में जो आप जानते होंगे कि आपको गुड्स जो है वो क्रेडिट में देने पड़ते हैं। अभी क्रेडिट में हम गुड्स क्यों दें? कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो एडवांस लेंगे। तो यहां पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि एडवांस लेने के लिए आपके पास कुछ स्टेटस होना चाहिए। स्टेटस माने कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, कुछ रेपुटेशन हो, कोई पुराना बिजनेस हो, राइट, आपकी कोई मार्केट रेपुटेशन हो, तो कोई आपको एडवांस देगा। वरना कोई जेन्युइन बायर राइट आपको एडवांस क्यों देगा? और यही बात सरकार ने समझा और 1957 में क्रेडिट इंश्योरेंस देने के लिए ECGC का गठन हुआ। ECGC है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये सरकार स्वयं आपको खुद कह रही है कि आप क्रेडिट में गुड्स दो, आप उधारी में गुड्स को सेल करिए, हम आपके साथ है और हम आपका रिस्क प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये क्या दे रहे हैं? ये क्रेडिट इंश्योरेंस दे रहे हैं। जैसे कि मरीन इंश्योरेंस होता है, लाइफ का इंश्योरेंस होता है LIC, वैसे इंटरनेशनल बिजनेस पर बहुत ही जरूरी होता है क्रेडिट इंश्योरेंस। अब यहां पर हम ये समझेंगे कि क्रेडिट इंश्योरेंस काम कैसे करता है, ये कितनी हद तक सेफ है, कैसे इस पर प्रोसेस होती है। हालांकि मैं टेक्निकल चीजों में कम जाऊंगा, वो मैं मेरे क्लासेस सेशंस और ऑनलाइन कंसल्टेंट क्लाइंट्स को देता ही हूं, लेकिन मैं इधर प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो ज्यादा टच करना चाहूंगा। तो ECGC में एक गवर्नमेंट का ही बॉडी है और ये हमेशा हमको कहते हैं, एक्सपोर्टर्स को कहते हैं, यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स, वी कवर द रिस्क। बहुत ही बढ़िया बात है कि आप एक्सपोर्ट करिए, आपका रिस्क जो है वो हम उठाते हैं। बढ़िया बात है ECGC का। अभी प्रोज यानी कि ECGC के फायदे है क्या है, राइट? तो सबसे बिगेस्ट बेनिफिट है ये है ECGC कवर का कि ये 95% तक आपका इनवॉइस बिल, आपका जो बिल होता है फॉरेन क्लाइंट को देते हो, उसमें 95% तक का वो कवर देते हैं, राइट? तो 1,00,000 का प्रोडक्ट्स अगर आपका बिल होता है तो 95,000 तक का वो आपको क्लेम देते हैं। पूरा 100% नहीं, क्योंकि ये भी मानते हैं कि उसमें आपका बिल में प्रॉफिट तो होता ही है, राइट? तो ये 95% स्पेसिफिकली स्टार्टअप के लिए बनाया गया है। अगर आपका पुराना कंपनी है, रेगुलरली एक्सपोर्ट कर रहा है, तो आपको 80% मिलेगा, राइट? अगर आपका नया कंपनी है, न्यू एक्सपोर्ट बिजनेस आप चालू कर रहे हो, देश को सेवा करने के लिए, फॉरेन करेंसी लाने के लिए, तो देश के लिए बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट करना, करवाना, तो 95% तक का कवर मिलेगा स्टार्टअप्स को, राइट? ये एक प्रकार का आपका क्रेडिट रिस्क कवर होता है इसमें। और ECGC कवर लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सिर्फ बेसिकली इसके लिए आपको एक परचेस ऑर्डर चाहिए बायर का, और वो प्रोसेस करके आपको ECGC कवर देंगे। कहीं भी ECGC कवर लेने जाते हैं, ECGC के नियर सेंटर में आप गूगल में सर्च कर सकते हो, राइट? आपको अपना नियरेस्ट ECGC का सेंटर जरूर मिलेगा। आप जब भी ECGC कवर लेने जाते हो तो वहां पर ज्यादातर साहब होते हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, कवर के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन देते हैं और कवर आपको आपको सेल कर देते हैं और कवर आपको दे देते हैं। तो इट्स वेरी इजी टू गेट कवर। और हमेशा ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट आप परचेस करे, माल खरीदे, डील करे, उससे पहले आपको कवर लेना पड़ेगा, तभी आपका डील जो है ECGC में सेफ वे से हो पाएगा। यानी कि ऑर्डर आया, इसलिए डायरेक्टली माल परचेस नहीं करना है, ऑर्डर आया तो कैसा आया उसका प्रोसेस करना पड़ेगा, कवर लेना पड़ेगा, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कितने हद तक सेफ है और कितनी हद तक ये आपको मेहनत से आपको दे पा रहा है, देखते हैं। अभी कॉन्स ऑफ ECGC यानी कि इसमें कुछ लिमिटेशंस है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो प्रैक्टिकल बात है वो मैं आपको बता रहा हूं।
इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट क्लेम. कवर लेना तो भैया बहुत आसान है, लेकिन क्लेम लेना उतना ही डिफिकल्ट है. क्लेम इतनी आसानी से नहीं मिलता. और यहां पर देखिए, सरकार बहुत ही अच्छी है, यहां पर मैं सरकार का कुछ क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कुछ पॉलिसीज है जिसमें हम मिलके बातचीत करें, अगर उसको शेयर करें तो शायद उसके कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस निकल सकते हैं. क्लेम लेना तो डिफिकल्ट है, ये प्रैक्टिकली सही बात है. मैं आपको कुछ इसके बारे में केसेस कहना चाहूंगा कि ECJC में जब भी हम कुछ फॉल्ट होता है, बाहर से पैसे नहीं आते, तो जब क्लेम लेने जाते हैं तो जो वहां के मैनेजर्स होते हैं, वहां के जो स्टाफ होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, वो एक्सपोर्टर के ऊपर टूट पड़ते हैं कि आपको डील जो है वो ढंग से करना चाहिए था, राइट, आपने मरीन इंश्योरेंस क्यों नहीं लिया, राइट, ऐसे ऐसे पॉइंट्स वहां पर पूछ लेते हैं कि एक्सपोर्टर बेचारा नया होता है, घबरा जाता है और वहां से रिटर्न हो जाता है ऑफिस से ही, और भूल जाता है कि मुझे कुछ क्लेम जैसा मिलेगा. तो यहां पर हम जो है करीबन, मैं मेरी लाइफ की बात करूं अब तक तो 77 केसेस ECJC में जा चुके हैं और ऑलमोस्ट सभी के क्लेम मैंने कराए जो, और उसके लिए मैंने एक चार्ज भी नहीं लिया लोगों से, क्योंकि मैं जानता हूं कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है फंड को रेज करना और एक्सपोर्ट करना, तो उसका ECJC से पैसा आ जाता है, उनकी खुशी मेरे लिए बहुत कुछ है. तो यहां पर ECJC के सामने फाइट करना पड़ता है कि एक्सपोर्टर का लायबिलिटी पोर्ट तक ही होता है, अगर FOB में डील किया है तो इंश्योरेंस बायर को लेना पड़ता है, ये सारी चीजें उनको समझानी पड़ती है. मुझे पता नहीं कि ऑफिशियल्स को पता है या नहीं पता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाइट के बाद क्लेम मिलता है, राइट. यहां पर क्लेम मिलने में भी टाइम लग जाता है, राइट. मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है लॉन्ग वेटिंग पीरियड, 4 months to 12 months. कुछ कुछ क्लेम्स हाँ है जिसमें हमने 1.5 मंथ्स में क्लेम ले लिया है, लेकिन ज्यादातर आपके पैसे जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं, राइट, इस ECJC को क्लेम लेने में. अगर आपका गुड्स जो है वो नॉन पेरिशेबल है, राइट, तो उसको रिटर्न करना पड़ेगा. नॉन पेरिशेबल माने कि अगर वो बिगड़ता नहीं है, जैसे कि ब्रास पार्ट का प्रोडक्ट है, हार्डवेयर आइटम है, वो तो बिगड़ेगा नहीं. प्लास्टिक के टॉयज है, वो तो बिगड़ेगा नहीं. तो वो अपने फॉरेन कंट्री में भेजा और अगर बायर ने गुड्स लेने से मना कर दिया, राइट, तो अल्टीमेटली गुड्स आपको रिटर्न लेना पड़ेगा. उस रिटर्न के केस में रिटर्न का खर्चा जो है वो ECJC देगा. चलो ये बात तो सही है कि रिटर्न का खर्चा ECJC देगा, लेकिन भैया आप उस गुड्स को देंगे कहां? आपने 5 लाख का माल खरीद के एक्सपोर्ट किया, अब वो रिटर्न आपको देना पड़ेगा. अगर आप वो रिटर्न किसी को दोगे तो लॉस में सेल करना पड़ेगा और शायद वो आपसे कोई लेगा भी नहीं. कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो क्या करोगे, राइट. तो नॉन पेरिशेबल गुड्स में रिटर्न पॉलिसी के कारण इतना फायदा कारक ECJC नहीं बनता है, राइट. इसीलिए मैं स्टार्टअप्स को सजेस्ट करता हूं कि एग्रो प्रोडक्ट्स में थोड़ा ज्यादा फोकस करिए शुरू शुरू में, फिर आप भले ही एग्रो ना करिए, सीख लीजिए, फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की वैरायटीज चूज करिए. एग्रो में दोस्तों प्लस पॉइंट क्या है कि अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई गुड्स नहीं भी उठाता है, द गुड्स बिगड़ जाता है, तो हम शिपिंग लाइन की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिस्ट्रॉयंस, माल को डिस्ट्रॉय करके भी ECJC का कवर क्लेम आसानी से ले सकते हैं, राइट. तो एग्री प्रोडक्ट्स के लिए स्टार्टअप ज्यादा, मोर ओवर एग्री के बायर्स भी मिल जाते हैं. एग्री प्रोडक्ट्स को सेल करना भी इजी है, राइट, क्योंकि खाने की चीज हर किसी को रोज रोज चाहिए, तो वो सेल करना भी फॉरेन कंट्री में कंपैरेटिवली इजी है. उसके बायर्स भी ज्यादा अवेलेबल होते हैं और उसको रिटर्न नहीं करना पड़ता क्योंकि वो बिगड़ जाता है, तो डिस्ट्रॉयंस करा के कवर का क्लेम लिया जा सकता है. काफी सारे लिए भी गए हैं हमने, राइट. Moreover, ECJC को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रॉपर वेरिफिकेशन करके कवर दे. आजकल क्या चल रहा है, ECJC को गवर्नमेंट ने ज्यादा फंड दे दिया है, तो ECJC किसी भी बायर को के सामने कवर दे रहा है, ये चेक ही नहीं कर रहा है. अभी मैं लेटेस्ट एक केस बताऊं मेरे स्टूडेंट का, JK एक्सपोर्ट इंपोर्ट का.
तो उन बिचारों को कवर मिल गया, राइट, और हमने बैंक से डॉक्यूमेंट भेजे फॉरेन क्लाइंट को, तो उस क्लाइंट का वहां पर बैंक ही नहीं था। आप ये तो सोचिए कि क्लाइंट आप कवर दे रहे हो भैया ईसीजीसी, तो आपको ये तो सोचना चाहिए कि सामने बैंक तो हो। अब विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बैंक आप कवर इश्यू कर दे रहे हो, वहां पर डॉक्यूमेंट गए तो किसी के पास कुछ अलग ही एड्रेस में डॉक्यूमेंट गए, वहां पर वो ऑफिशियल बैंक ही नहीं था, राइट। अब पार्टी का नई पार्टी जो आती है, जिसको इंपोर्ट बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता, उनके सामने इसी किसी कवर फटाक से निकल जाता है। देखिए, क्रेडिट पुरानी पार्टी को दी जाती है, जो रेगुलर हो, जो माल बेचना चाहती हो, जिसके पास मार्केट है। आज हम क्रेडिट में गुड्स दे रहे हैं तो एक प्रॉपर जेन्युइन पार्टी को क्रेडिट में गुड्स दे, ताकि अब हम आपको एक अच्छी एंट्री मिल सके। वरना होगा क्या दोस्तों, कि सिर्फ आपने इसी इसी कवर ले लिया, पार्टी वहां से पैसा नहीं देती है, आपका पैसा फंस जाएगा। कभी कभी एक साल तक आपका पैसा फंस जाएगा, मिलेगा जरूर, आता जरूर है पैसा, चिंता नहीं है, आता है अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेलिटी किया है तो, राइट। लेकिन बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, राइट, बिल ऑफ एक्सचेंज है नहीं है, राइट, इंश्योरेंस के बारे में स्टेटस बताइए, गुड्स का स्टेटस बताइए, और ये क्वेश्चन आप अगर सॉल्व नहीं कर सकते हो राइट टाइम में इसी किसी के, तो आपका क्लेम फंस जाएगा, राइट। तो आप हमसे जुड़िए और फिर आप स्टडी कर करके सारी चीजों को करिए, ताकि आपको कभी डील में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें वेटिंग पीरियड खतरनाक है, राइट। और अगर आपने उधारी में पैसा लेके, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो उधारी में पैसा लेके एक्सपोर्ट में डालते हैं 5-10-20 लाख रुपया, राइट, तो अल्टीमेटली उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है बिकॉज ऑफ लॉन्ग वेटिंग पीरियड, और एक अगर इम्प्रॉपर प्रोसेस से किया तो आपको क्लेम मिलेगा ही नहीं, राइट। क्लेम सिर्फ सर्टन कंडीशंस में मिलता है, तो ईसीजीसी की जो भी पॉलिसी आप ले उसको एकदम डिटेल से स्टडी करें और फिर आगे बढ़े। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ईसीजीसी अलोन इज नॉट द सेफ, यहां पर आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी एडिशनल हेल्प लेना चाहिए। जैसे कि रेप्यूटेड क्रेडिट एजेंसीज की बात करें तो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट जो है 1841 से सेवा है, दे रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की। मेरा इंडिया जो है वो 1983 से है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये लोग जो क्रेडिट रेटिंग देते हैं वो कंपनी का स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन करते हैं। डीएनबी का इतना स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन है कि डब्ल्यूटीओ भी उसके रिपोर्ट्स, उसके एनालिसिस स्टडी करने के लिए यूज कर रहा है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो मैं जस्ट आपको थोड़ा रेटिंग का एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इसके बारे में, कि अगर बायर का क्रेडिट रेटिंग स्ट्रॉन्ग है, राइट, तो ही आप डील करें। अगर आपको इसी से मिल रहा है, रेटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं करें। फॉर एग्जांपल, कोई बायर है, उसका रेटिंग A++ है, तो वहां पर उसे डील आप कर सकते हो, इसमें आपका रिस्क एकदम मिनिमम है। बिजनेस डीलिंग परमिशेबल विथ मिनिमम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, राइट, इसमें आपका रिस्क ज्यादा नहीं है, राइट, आप इसमें डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए प्लस में भी आप कर सकते हो, बिजनेस डीलिंग परमिशेबल विद लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ए में एक्सेप्टेबल रिस्क है, लिया जा सकता है, पार्टी इज फाइन, यू कैन गो विद दैट, यहां पर आपका मॉडरेट रिस्क है, राइट। डी जो है उसमें आपको रेगुलर मॉनिटरिंग करना पड़ेगा, राइट, मोर ओवर सेफ टर्म्स में जाइए थोड़े, राइट, तो आप इसमें वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलसी है या फिर डीपी है, राइट, और आपके पास प्लस ईसीजीसी तो होना चाहिए। अगर आपका बायर का क्रेडिट रेटिंग सी आता है, राइट, तो इसमें तो आपको एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट में ही डील करना चाहिए, राइट, तो ही आपका वर्कआउट हो पाएगा। डी में तो हाई रिस्क है, यहां पर मैं आपको हाई रिस्क में जाने की स्टार्टअप को सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। न्यू बिजनेस के साथ धंधा बिल्कुल मत करिए, भले आपका बिजनेस नया है, मैं मानता हूं आप एक्सपोर्टर हैं, लेकिन आप क्रेडिट में गुड्स दे रहे हो बायर को, तो जब भी आप क्रेडिट में गुड्स बायर को दे रहे हो तो हम क्यों नए लोगों को दे, लाइक, क्योंकि नए लोगों को क्या, मान लो कि अच्छा भी है वो आदमी, लेकिन उसका सेल्स का रिकॉर्ड नहीं होता है,
तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसका लॉस होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक मेरा क्लाइंट था जिन्होंने दुबई में ऑफिस किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मेरा ही इधर का कंपनी, फॉरेन का भी मेरा इधर का कंपनी। मैंने कहा भैया इतना आसान नहीं है जितना आप कह रहे हो, वो माना ही नहीं, उन्होंने एक सेटअप कर दिया, राइट। और क्या हुआ, यहां से गुड्स तो भेजा गया, दुबई में गया, लेकिन दुबई में जिसको वहां पर लोकल में भी क्रेडिट है और उसका तो कवर नहीं होता है, तो उसने यहां से ऑनियंस के कंसाइनमेंट दो भेजे दुबई में, उनकी कंपनी को खुद की। अब उनकी कंपनी खुद की तो ऑनियंस सारे दो कंटेनर का माल खा तो नहीं जाएगी, वो तो बेचना पड़ेगा ना। तो वो जब बेचा गया मिड ट्रेडर्स को, होलसेलर्स को, वहां से पैसा ही नहीं आया। 7 दिन के बाद पैसा नहीं आया और बिजनेस का पार्टनरशिप का उधर था, लॉस आ गया और वो सेटअप बंद कर दिया, राइट। तो एकदम रॉन्ग स्ट्रेटेजी है कि विदाउट एनालिसिस करे आप फॉरेन कंट्री में सेटअप डाल दो। सेटअप कोई भी डाल सकता है भैया, लेकिन लोकल वहां की सेल्स चैनल आपके पास स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप फॉरेन कंट्रीज में ऑफिस डाल के भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, राइट। तो ये ध्यान में रखने की चीज है, राइट। नो ट्रेस में तो करना ही नहीं है, नो ट्रेस तो एकदम खतरनाक है। बिजनेस का कुछ अता पता उधर नहीं है, राइट। एक फेक इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है उसके बिजनेस के बारे में, तो उसके साथ हम कैसे धंधा कर सकते हैं। अभी इंटरनेशनल ब्रोकर्स का सेफ्टी में अच्छा रोल है अगर वो अच्छे हैं तो। अगर पुराने ब्रोकर्स है, राइट, वो अगर आपको ओल्ड प्लेयर्स से धंधा कराते हैं, मान लो कि कंपनी आपसे 20 साल पुरानी है, राइट, 30 साल पुरानी कंपनी है, राइट, 50 साल पुरानी कंपनी है, तो ऐसे प्लेयर्स अगर आपको ब्रोकर दे रहा है और ब्रोकर एश्योरेंस ले रहा है कि भाई ये सामने वाले ग्रुप अच्छा है या फिर मेरा फ्रेंड रिलेटिव ग्रुप है जो वहां पर ये काम कर रहा है, सिर्फ दोस्त नहीं बने आप वहां पर ये काम कर रहा है, तो ये आपकी एक सेफ्टी हो जाती है। तो अगर सेफेस्ट वे अगर मैं बात करूं इस बिजनेस में, तो स्टार्टअप्स के लिए सेफेस्ट वे ये होता है कि ब्रोकर का एश्योरेंस होना चाहिए डील में कि हाँ ब्रोकर कह रहा है कि मैं एश्योरिटी दे रहा हूं, सिर्फ बातें नहीं एग्रीमेंट में बोल रहा है कि मैं एश्योरेंस दे रहा हूं आपको, राइट। साथ में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का अच्छा रिकॉर्ड है, ये तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रिकॉर्ड तो कराना ही पड़ेगा, और प्लस ECGC है तब आप इसमें 100% सेफ हो, राइट। तो आपका पूरा सेफ्टी रह जाएगा अगर ये 3 पॉइंट आपके है तो। फिर यहां पर मैं कहूंगा कि ब्रोकर एश्योरेंस और क्रेडिट रेटिंग्स और शायद ECGC ना भी लिया जाए, क्योंकि कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से गुड्स UAE में भेजते हो या श्रीलंका में भेजते हो और बैंक से डीलिंग करते हो, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि कॉस्ट भी बढ़ जाता है और वहां का डैमरेज लगने लगता है, क्योंकि क्या होता है आपका माल जो है वो 3 या 5 दिन में उधर पहुंच जाएगा, राइट। और होगा क्या कि अल्टीमेटली डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रूट होने में समय लगेगा, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये होगा कि आपको वहां पे उनको कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा पुराने बायर्स को, तो उनका जो कट थ्रोट मार्जिन में एग्री प्रोडक्ट्स में बिजनेस होता है नियर कंट्रीज में, राइट, तो उसमें कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कवर का कॉस्ट बढ़ जाएगा, बैंक फीस बहुत बढ़ जाएगी, तो डायरेक्ट डील पॉसिबल है। तो अगर पुराना ब्रोकर है, पुरानी एकदम पार्टी है, राइट, तो ब्रोकर अश्योरेंस और गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का रिपोर्ट ज्यादा बेटर है कि सिर्फ इन कंपैरिजन टू ओनली ECGC अगर आप जाते हो तो। गुड क्रेडिट रेटिंग्स का रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लस ECGC, राइट, ये भी ये ध्यान में आप रखिए। नॉट द सेफ वे फॉर स्टार्टअप्स, ये आप समझ लो कि ये वे स्टार्टअप के लिए सेफ नहीं है। अगर आप सिर्फ ECGC से डील कर रहे हो, आपके पास ECGC कवर है इसलिए आप डील कर रहे हो, बायर को चेक किए बिना, बायर को जाने बिना, ये सेफ नहीं है। सिर्फ ECGC की सिक्योरिटी के ऊपर आज आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, कभी नहीं करना चाहिए, राइट, क्योंकि आपके पैसे 1 साल तक फंस सकते हैं, राइट, ये आप समझ लो। ECGC में ECGC कवर तो मिल रहा है, साथ में आप क्रेडिट रिपोर्ट भी कराइए। क्रेडिट रिपोर्ट अगर खराब है कोई कंपनी का, लेकिन ECGC मिल रहा है आजकल, क्या ECGC नई कंपनी में भी मिल रहा है, तो करना ही है डील नई कंपनी में, नहीं, इसे तो कहीं बेटर है कि सिर्फ आप ब्रोकर एश्योरेंस और ओल्ड पार्टी के साथ धंधा करें,
राइट, ब्रोकर एश्योरेंस और ओल्ड पार्टी के साथ बिजनेस करें, इट वुड बी द मच बेटर ऑप्शन देन गोइंग विद ओनली ईसीजीसी। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, राइट। और ब्रोकर का अगर एश्योरेंस है भी और लेकिन क्रेडिट रेटिंग बायर का बहुत ही खराब बता रहा है, बायर वहां पर नया है, कुछ सेटअप नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्रोकर एश्योरेंस ले रहा है, तो भी ये रिस्क है, राइट। तो इस वे से भी आप वर्क ना करें, राइट। तो ये सारे वे मैंने बोले हैं स्टार्टअप्स के लिए, और भी सारा केस स्टडीज है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में स्टडी करने के लिए। यहां पर मैं चाहूंगा, देखो मैं कभी भी नहीं कह रहा हूं कि मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए या मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मैं कभी नहीं कहता ना भी कहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आज के वीडियो के लिए मैं इतना कह रहा हूं कि अगर हो सके तो इस आपका ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके भाई, आपके आपके सिस्टर, आपके आपके दोस्त सेफ वे से बिजनेस करें, राइट। तो ये हर एक कम्युनिटी के लोगों को आप ये शेयर करें, राइट, आपके फ्रेंड ग्रुप सर्कल में आप ये शेयर करें। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि एक तरीके से ये भी एक कंट्री का फायदा ही हो रहा है अगर सेफ पैसे डील करें। क्योंकि अगर आपके भाई आपके सिस्टर के पैसे फॉरेन कंट्री से नहीं आए तो ये दुख की बात है, राइट। और अगर ईसीजीसी को भी पैसा देना पड़ा तो ईसीजीसी का पैसा आपके टैक्स से ही दिया जाता है, बायर से आता नहीं है, तो ये भी एक लॉस है। तो हम यहाँ पर ये चाहेंगे कि बिजनेस सेफ में हो, फॉरेन क्लाइंट से पैसा रेगुलरली आए, प्रॉपर बिजनेस लोग सीख सके, राइट। इसलिए इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फाइन। और कोई भी क्वेरीज हो, राइट, तो आप इस वेबसाइट में जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, फाइन। थैंक यू, दिस किशन बारा, एंड थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।